हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज मौसम हो रहा है बहुत अच्छा। सुबह सुबह उठ के गर्मी नहीं, ठंडक की फील हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ठंड आने वाली है, तो ये मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो गर्मी होती है उसमें मैं बहुत ज़्यादा इरीटेट होती हूँ, तो पर क्या करें, अब तो गर्मी ही आएगी। और हवा देख लीजिए कितनी अच्छी चल रही है। या संडे तो बच्चों की भी छुट्टी है, इनकी भी छुट्टी है, तो आज मौसम को देखते हुए हमने सोचा है कि आज इनके लिए बनाया जाए ब्रेकफास्ट में पकौड़ी। तो डिमांड भी थी इनकी पकौड़ी बनाने की, तो मौसम भी अच्छा हो गया, तो अब तो वैसे भी बनता है पकौड़ी बनाना। और मन्नू उठ चुकी है, अभी 10 हो रहा है, वो भी उठ चुके हैं, तो मेरा तो फास्ट है, मैं तो अपने वही खाऊंगी साबुत। एक्टिंग कर रही थी नहीं आप उठ के ऐसे, मतलब बैठ पे उसके बाद आप लोग उड़ा के गए, उसके बाद मैं वहां पर उठती हूं, बट देखते हैं कब तक सोती है। एक्टिंग कर रही थी मनु सोने की, बट उठी भी थी। बिल्डिंग है ना, इसमें आज कीर्तन और पाठ कुछ है, और लंगर भी है, सबको बुला रखा है बिल्डिंग वालों को। तो मैंने बोल रही थी चले जाना, तो देखते हैं जाएंगे नहीं जाएंगे। तो तैयारी चल रही है, टेबल मेज वगैरह लेकर आए हैं वो लोग, और इधर बर्तन भी रखे हैं नीचे। और बारिश का मौसम तो हो ही रहा है, तो बहुत ही बढ़िया वाला मौसम हो रहा है, एकदम मस्त। किचन में मैंने कर लिया तैयारी पकौड़ियों की। ये है पकौड़ी का बैटर घुल चुका है, अभी बनाते हैं हम पकौड़ी और चाय। तो भाई बहुत बढ़िया, ठंडा ठंडा मौसम हो गया है, हवा चल रही है धकाधक, और बारिश हो के जो है ख़त्म हो चुकी है, लेकिन बादल अभी आप देख पा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन हो रहे हैं। और इसी के साथ साथ हमारे रसोई में आज बन रही है सुबह सुबह पकौड़ी, आपने देख लिया ऑलरेडी। तो जी पकौड़ी बनना जो है शुरू हो चुकी है। तेरा तो भाई व्रत है आज, साबुतदाना और पकौड़ी बन के तैयार होने वाली है, चाय हमारी रेडी है। बाकी दक्के भी सोई रहा है, एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये देखो मन्नू तो उठ गई है, मन्नू अपना जो है सीधा प्रसारण देख रही है, ये देखो कार्टून वार्टून। अभी दक्ष को नहला दिया है और ये कपड़े पहनने को तैयार नहीं है, पैंट पैंट पहन लिया और क्या सोच रहा है पता नहीं। क्या सोच रहे हैं आप? मुझे कपड़े नहीं पहनने के पास। सिर पे? हाँ, कपड़े नहीं पहनने। ओके आ जाओ। मैंने इसको कहा है ना, नीचे वो हो रहा है कुछ, मतलब पंजाबी है ना यहाँ पे, तो पंजाबियों का कुछ पार्ट टाइप का हो रहा है। तो मैं ऐसे बोल रही थी कि ये बोल रहा है कि वहाँ पे चलना है, मैंने कहा ठीक है वहाँ चलेंगे, पर पंजाबी लोग में सिर पे कपड़ा बांध के जाते हैं ना, तो मैंने बोला सिर पे कपड़ा बांधना पड़ेगा। तो ये बोल रहा है कि नहीं बांधना, मुझे गिल्ला हो जाएगा, बाल खराब हो जाएंगे, तो इसलिए वहाँ जाके खड़ा हो गया। आओ, अच्छा ठीक है, नहीं बांधना, जल्दी से आ जाओ। नहीं बांधूंगी अगर आप, मैं फिर जा रही हूँ, जल्दी आओ। चूंकि रेडियो खुद से दक्ष ही करता है परेशान, ये नहीं पहन रहा है कपड़े, पहलवान बन के खड़ा हुआ है लड़का लड़का। मम्मा नो चुकी है, फुल रेडी। गुड मॉर्निंग गाइस, आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज गाइस मेरा साइड से फर्स्ट या सेकंड व्लॉग है, मुझे ये नहीं पता क्योंकि मैं भूल गई हूँ। तो गाइस आज हम एक चैलेंज करने वाले हैं, जो हमारी बालकनी होती है ना, आपने ब्लॉग्स में देखा ही होगा, अगर नहीं देखा तो जल्दी से देख लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो जो हमारी बालकनी है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम हाँ एक चैलेंज करेंगे, जो कि है हम 12 बजे तक वहीं पर रहेंगे। तो हमने वहाँ पर एक घर बनाया, हम आपको दिखाते हैं कि कैसा घर बनाया है। तो इधर रसोई में आए हैं नए शेफ और ये बना रहे हैं मावे की बर्फी, जो हम मावा लाए थे, तो मावा जो घर से लेकर आए थे इसका लास्ट पड़ा हुआ है, और आज ये बना रहे हैं इसकी बर्फी। मैंने तो बना लिए थे लड्डू और बर्फी जैसी बनी, तो आज ये बोल रहा है मैं बना के देखता हूँ कैसी बनेगी। तो चलिए ये देखेंगे जमेगी कैसी बनेगी, आपको भी दिखाएंगे। और इधर बन रही है हमारी मैक्रोनी, उबल रही है, अब लोग भी ऐड करना है। और इधर ये दोनों खेल रहे हैं, पर खेलते कम है, लड़ते ज़्यादा है दोनों, दक्ष भी और ये मन्नू भी। क्यों लड़ते हो तुम दोनों ज्यादा? कौन लड़ता है, दक्षी पहले? मन्नू दीदी दोनों लड़ा मत करो, खेला करो ठीक है, ऐसे नहीं चिल्लाते, सब देख लेंगे। गाइस धीरे से बोलो ठीक है, ऐसे नहीं लड़ना होता। ओके, ये पंजरी जमी तो है ऐसी, देखते अभी इन्हें कट करके कि निकलती है कि नहीं निकलती। तो जी मेहनत सफल हो गई, पंजरी बहुत अच्छी उतरी है, देखिए
एकदम बढ़िया वाली मस्त वाली पंजरी बनाई है उन्होंने, तो उनकी मेहनत हो गई सफल और हो गए वो पास। आइए आप भी खा लीजिए। गुड The next day. मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और अभी सुबह हो चुकी है और सुबह के बज रहे हैं 7। मनु चली गई है रेडी होके स्कूल नीचे, और आज थोड़ा उसकी तबीयत भी सही नहीं लग रही है। मतलब उसको लग रहा है कि और दिन के मुताबिक वो आज थोड़ा मुझे भी सही नहीं लग रही थी, पर उसे भेजना था क्योंकि कल उसका टेस्ट है और आज मैम उसको काम कराएगी। ऐसे बोल दिया उसको कि अगर नहीं उसको सही लगे तो मैडम को बोल देगी, ये लेकर आ जाएंगे। और आज इनकी भी तबीयत खराब हो रही है, इन्हें भी रात से बुखार हो रहा है, थोड़ा इन्हें गर्मी लग रही है, तो देखते हैं अगर इन्हें भी बुखार रहा तो डॉक्टर के पास जाएंगे। ये मिलवाती हूँ मैं आपको मन्नू से, क्या बोल रही है मन्नू? हो रही है रेडी स्कूल जाने के लिए, पर आज ये बीच में है जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि इसको कुछ कुछ सही लग रहा है कुछ कुछ नहीं। कभी पैर में दर्द बता रही है ये, कभी इसका लेटने का मन हो रहा है, पर इसका कल टेस्ट है इसलिए हम इसको आज भेज रहे हैं क्योंकि मैडम काम कराएगी। कल टेस्ट है तो हमने इसको बोल दिया है अगर कुछ लगे तो मैडम को बोल देना, लेने आ जाएंगे। ठीक है, वो घर की हालत तो देख लीजिए, अभी आप कपड़े वपड़े सब यहीं पड़े हैं क्योंकि सुबह का टाइम है तो ऐसा ही मिलेगा मोस्टली। बनाने वाली थी तो ये सुबह सुबह नाराज हो गए, मैंने इनका ब्लॉग नहीं बनाया आज। तो आज ये दोनों हैं कुछ लेजी लेजी, इनको तो हो रहा है रात से बुखार, मुझे पता भी नहीं था इनको ठंड लगी होगी रात बहुत तेज। बहुत ठंड लगी भाई। हाँ, और फिर मन्नू उठी कि गर्मी लग रही, तब पता चला मुझे कि हाँ पंखा कम कर दिया इन्होंने, दवाई देंगे। तो कैसा फील हो रहा है अब? गरम गरम सा। फिर कैसा क्या? गरम तो है हाथ। गर्मी लग रही है मुझे। मुझे भी लग रही थी जब सब पर निकाल के फिर ठंड फेंक। तो डॉक्टर के पास चले जा दवाई लेने। नहीं आज वेट करूंगा। मम्मी ने तो कसम मुंह बना रही, तुमने को छोड़ियो, फिर देखते हैं आके क्या करना है। हो चुका है खत्म डेली वाला, झाड़ू पोछा ये सब चीजें, और बच्चे भी स्कूल चले गए थे, तो अभी इनकी तबीयत तो है थोड़ी खराब, मतलब फीवर है पर कम है, तो डॉक्टर के पास तो मना कर रहे थे ये कि घर में मेडिसिन है वो ले लेंगे। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो भाई मेरा बुखार तो ठीक हो गया, मतलब बस एक रात बुखार आया मुझे, सर्दी के साथ बहुत ज़्यादा सर्दी लगी। अगले दिन आफ्टरनून तक मेरा जो है शरीर अकड़ा अकड़ा सा रहा, बाकी और दिक्कत नहीं थी। फिर शाम तक जो है लगभग ठीक हो गया था। फिर मैं कल दवाई लेके आ गया और रात मैंने जो है Dolo 650 खा ली एक, तो अब उससे मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। काम चल रहा है अपने ऑफिस का। आ गया स्कूल से, और ये बनाना मैंने दिया था उसको स्कूल में खाने के लिए, बट इसने नहीं खाया वहाँ पे, इसको जवें भी दिए थे तो अभी यहाँ पे आके खा रहा है इसको। मैंने भी खा लिए। गुड। तो इसके साथ हम इस वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।